महाराष्ट्र राज्य का राजनीतिक इतिहास दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी अलग रहा है। यहाँ की राजनीति में काफी ड्रामे भी होते हैं, जैसे कि कोई भी नेता रातों रात चुपचाप सरकार भी बना लेता है, वो भी बिना किसी को बताए। लेकिन इस बार जो हुआ वो पिछली बार से काफी अलग है। 21 जून 2022 को शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे 21 विधायकों को लेकर सूरत पहुँच जाते हैं, और जब ये खबर बाहर आई तब सबके होश उड़े हुए थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि एकनाथ शिंदे जैसा कट्टर शिवसैनिक कैसे कर सकता है। धीरे धीरे करके ये न्यूज महाराष्ट्र से पूरे भारत में फैलने लगी। जो लोग बीजेपी के सपोर्टर से वो काफी खुश होने लगे, वही जो पार्टीज ऑपोजिशन में थी वो इस हरकत से काफी नाराज थी। अब बीजेपी वाले खुश क्यों थे और ऑपोजिशन पार्टीज नाराज क्यों थी, इसका उत्तर था सिर्फ एकनाथ शिंदे के पास। कुछ न्यूज चैनल्स ने एकनाथ शिंदे से संपर्क किया और शिवसेना से बगावत करने का कारण पूछा। तब एकनाथ शिंदे ने सभी राज खोल दिए। उन्होंने कहा कि ये निर्णय सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरे साथ मौजूद जितने भी विधायक है उन सभी का है, और अब हम इससे ज्यादा महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ काम नहीं करना चाहते, और अब हम ये चाहते हैं कि शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में एक नई सरकार खड़ी करे। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार तो महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल से थी, तो क्या ये शिवसेना के सभी विधायक 2.5 साल तक सो रहे थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब से महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है तब से 2 साल तक कोविड ने महाराष्ट्र को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और इन 2 सालों में लगभग सभी काम ऑनलाइन मीटिंग्स के द्वारा ही पूरे होते थे। एकनाथ शिंदे और बाकी विधायकों के नाराजगी के और भी कई सारे कारण थे, जो एकनाथ शिंदे ने 23 तारीख को अपने ट्विटर के पोस्ट द्वारा सबको बता दिए। उस पोस्ट में लिखा था कि पूरे महाराष्ट्र भर से कई सारे विधायकों को महाराष्ट्र के सीएम से मिलना था, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के विकास के बारे में चर्चा करनी थी, लेकिन उन्हें कभी भी सीएम के आसपास के लोगों ने अपने सीएम से मिलने नहीं दिया। वो विधायक हर बार सीएम के गेट तक आते थे, लेकिन उन्हें हमेशा खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता था। यही नहीं, जब कुछ विधायकों को आदित्य ठाकरे के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जाना था तब सीएम ने उन्हें कॉल करके अयोध्या जाने से रोका था। सीएम के पास शिवसेना के विधायकों से मिलने का वक्त नहीं था, लेकिन वही कांग्रेस के सारे विधायक सीएम साहब से मिलते भी थे और फोटोज खींच के सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते थे। और ये सब देखने पर लोग विधायकों से पूछते थे कि मुख्यमंत्री तो शिवसेना से है, फिर भी वो आपसे क्यों नहीं मिलते? ये बात सुन के विधायकों को काफी दुख होता था, और इन्हीं कारणों की वजह से विधायकों को आज इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। अगले दिन एकनाथ शिंदे एक चार्टर्ड प्लेन की मदद से सभी विधायकों को लेकर आसाम के गुवाहाटी शहर में पहुंच जाते हैं। एकनाथ शिंदे द्वारा पोस्ट किए गए इस पत्र का शिवसेना के बाकी विधायकों पर कुछ ऐसा असर पड़ा कि धीरे धीरे करके सभी विधायक गुवाहाटी पहुँचने लगे और एकनाथ शिंदे से जाकर मिलने लगे। इसी के बीच कुछ बेवकूफ और विदेशी लोग इसे हॉर्स ट्रेडिंग का नाम भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला होता तो अब तक बीजेपी और शिवसेना के बागी विधायकों ने मिलकर महाराष्ट्र में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी होती। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एकनाथ शिंदे और बाकी के सभी विधायक सिर्फ उन्हीं राज्यों में क्यों ठहर रहे हैं जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, और ये लोग जो इतने बड़े बड़े 5-स्टार होटल्स में ठहर रहे है और प्राइवेट जेट्स में घूम रहे है, इस सब का खर्चा कौन कर रहा है? तो हाँ, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल जेन्युइन है, और इसका उत्तर तो सिर्फ एकनाथ शिंदे और बाकी के विधायकों को ही पता होगा। 29 जून 2022 को एकनाथ शिंदे अकेले ही मुंबई आ गए, और कहा जाता है कि फॉर्मर सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी चर्चा भी हुई। अगले ही दिन यानी कि 30 जून 2022 को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, और उसी दिन शाम को 7:30 बजे एकनाथ शिंदे ने एज अ महाराष्ट्र सीएम शपथ ली और देवेंद्र फडणवीस ने एज अ डिप्यूटी सीएम। तो इस महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।